ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स का स्वागत है। शिमला से इस समय हम माल रोड से हैं, एजी ऑफिस से स्कैंडल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। एक आपको बड़ी इम्पोर्टेंट खबर देने के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी पंजाब से खबर आई है कि ड्रोन के जरिए वो उसने पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ कुछ हथियार फेंके थे, तो उन हथियारों की पंजाब पुलिस को भनक लगी, तो उन्होंने अमृतसर ग्रामीण के तहत जो एरिया आता है लोपक के थाने के अंदर डालेके गांव, वहाँ से शनिवार और रविवार को एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक टिफ़िन बम मिला जिसमें 2-3 किलो RDX था और बड़ा ये IED था, इम्प्रोमाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बना रखी थी, और साथ में 5 हैंड ग्रेनेड मिले और 100 के करीब गोलियां भी मिली। तो इसको लेके पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने लोगों को अलर्ट किया है कि कोई भी उनको लावारिस वस्तु सार्वजनिक स्थल से मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, 112 या 182, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 112 या 182 नंबर दबाकर। 15 अगस्त आ रही है, तो ऐसे में पंजाब या भारत में हालात ख़राब करने की पाकिस्तान की मंशा रहती है, लेकिन पंजाब पुलिस की सजगता ने ये टिफिन बम पकड़कर उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया है। और हैरानगी की बात यह है कि ये हथियार जो हैं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए फेंके गए, ऐसा DGP दिनकर गुप्ता का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना था। तो जैसे ही ये विस्फोटक मिला तो उन्होंने NSG की टीम को भी संपर्क किया, तो उन्होंने आके उसका निरीक्षण किया, और शुरुआती तौर पर इसमें यही था कि ये इसमें 2-3 किलो RDX है। तो ये एक इसमें जो टिफिन बम था इसमें एक कार्टून भी बना हुआ था, मिनियंस बच्चों का डबल डेकर ये टिफिन बॉक्स था, तो इसको लेके FIR भी लॉज कर ली गई है और एहतियात बरतने के लिए DGP दिनकर गुप्ता की तरफ से कह दिया गया है। तो ठीक है जी, एहतियात बरतें कि पाकिस्तान जो है उनके मुंह से भी काबजा ना होने दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अंतराल के बाद।